अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज बॉक्स स्टडीज का लास्ट लेक्चर है। ये चैप्टर वन हमारा वो द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड कायद आजम मोहम्मद अली जिना, पेज नंबर 13 पे जो है यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखते हैं कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, टू नेशन थ्योरी, उसके हवाले से कायद आजम जो है वो क्या कहते हैं और पाकिस्तान कैसा चाहते थे कायदे आजम, इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में वो समझेंगे। जी, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कायदे आजम, पंजाब, सिंध, बंगाल, असम, केपीके एंड बलूचिस्तान पुट टुगेदर टू फॉर्म पाकिस्तान वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी। जी, कायदे आजम ये चाहते थे कि वो एरिया जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, लाइक पंजाब, सिंध, बंगाल और असम, ये एक वक्त था ये पाकिस्तान का हिस्सा था। और 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान जो है ये इन एरिया से जो है वो महरूम हो गया और ये जो है ये ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे सेपरेट हो गया और ये एक अलग वतन बन गया जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वंस इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, मुस्लिम्स है मेजोरिटी में। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि जहाँ भी मुस्लिम्स मेजोरिटी में है वो एक सेपरेट स्टेट होगी और उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो कायदे आजम भी यही चाहते थे कि पंजाब यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, सिंध में मुस्लिम मेजोरिटी है, बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी है, आसाम, केपीके एंड बलूचिस्तान, ये सब एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, तो इन सबको मिलाकर एक स्टेट बना दी जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो। जी, अब वहाँ क्या हो, जो स्टेट हो, जो मुसलमानों की मेजोरिटी वाली एरिया हो, तो वहाँ वो क्या करेंगे मुस्लिम्स, मुस्लिम में लेट देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम तो कुरान एंड सुन्ना है, तो मुसलमान अपनी जिंदगी कुरान एंड सुन्ना के अकॉर्डिंग गुजारेंगे, एक ऐसी स्टेट हम चाह रहे हैं, कायदे आजम ये कह रहे हैं। कायदे आजम कंसिडर्ड द इस्लामिक सिस्टम इज फुली एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। कायदे आजम ये चाहते थे कि एक ऐसी स्टेट हो कि जहाँ इस्लाम को फुली जो है वो हम अप्लाई कर सकें और इस्लामिक जो रूल्स हैं, जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको यहाँ फॉलो किया जा सके। अब इस हवाले से कायदे आजम के कोट्स हैं कुछ, हम वो देखते हैं कि कायदे आजम ने मुख्तलिफ जो टाइम में जो बात की रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड रिगार्डिंग इस्लाम, हम उसको देखते हैं। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ही सेड, इस्लाम इज आवर गाइड एंड इट इज कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। कायदे आजम कह रहे हैं कि हमें जो गाइडेंस चाहिए, हम जो गाइडेंस लेंगे वो इस्लाम से लेंगे, और क्यों लेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, पूरी जिंदगी गुजारने का हमें तरीका बताने वाला वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही है। जी, एड्रेसिंग एट अलीगढ़ ही एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड ही सेड व्हाट वाज द मोटिव ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, व्हाई वाज द नीड टू डिवाइड इंडिया फेल्ट, its reason is neither narrow-mindedness of Hindus nor tactics of British, it is the fundamental demand of Islam. ya agar aap dekhen to page number 14 pe jo hai ye pink color se jo hai ye likha hua picture ke sath jo hai ye wali quotation wahan maujood hai Aligarh address ki. to keh rahe hain Qaid Azam ye keh rahe hain ki hum ek ye jo demand hai ye sirf ek jagah ka nahi, hum ye sirf India ko divide karne ki baat nahi kar rahe ke ya hum jo hai wo sirf हिंदूज के जो नैरो माइंडेडनेस से तंग नजरियों से तंग आ गए हैं, ये ब्रिटिश टैक्टिक्स से तंग आ गए, उनकी चालों से तंग आ गए अंग्रेजों की, ऐसा नहीं है। हम एक ऐसी स्टेट जा रहे हैं जहाँ हम एक मुसलमानों की सेपरेट स्टेट हो, जहाँ मुसलमान इस्लाम को फॉलो कर सकें, ये इस्लाम की डिमांड है कि मुसलमानों की एक सेपरेट प्लेस हो, ये नहीं कि हम ये जो है वो कोई जो है वो अंग्रेजों से तंग आगे कर रहे, नहीं, या हिंदुओं की तंग नजरी से तंग हो गए, बल्कि ये तो इस्लाम की एक फंडामेंटल जो डिमांड है कि हमें जो है वो एक सेपरेट स्टेट मुसलमानों के लिए होनी चाहिए, कि मुसलमान जो है वो नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, फिर वही बात कि दो नेशंस हैं, मुसलमान एक अलग नेशन है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं लाइक हिंदूज हैं और ये जो है ये एक अलग नेशन है, सिख्स है, तो हम इनके साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए ही चाहिए। तो उस ये रीजन बनाई कायदे आजम ने और उसके बाद जो है फिर हमने एक सेपरेट स्टेट हासिल भी की। इसी तरह नेशनलिज्म, कौम के हवाले से कायदे आजम क्या कहते हैं, ये आजकल हमारा बहुत ज्यादा इशू भी है हमारे यहाँ। तो आप देखते हैं नेशनलिज्म के हवाले से कायदे आजम का क्या कहना है। ऑन 21st ऑफ मार्च 1948
at Dhaka, he said, "What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan, and so on. We are nothing but Pakistani. Now it is a duty to act like Pakistani." जी तो कायदे आजम बहुत क्लियरली जो है ये बात कह दिए. ढाका ढाका इज द कैपिटल, नाउ इट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश का, ये बांग्लादेश में, बंगाल में. वंस इट वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये एक वक्त था ये पाकिस्तान का हिस्सा था. तो 21 मार्च को जब ढाका में एड्रेस किया तो उस हवाले से कायदे आजम ने ये कहा था कि हम ना तो बंगाली हैं, ना पंजाबी हैं, सिंधी, बलोची, पठान, हम कुछ भी नहीं है. बट वी आर नथिंग बट पाकिस्तानी, हम और कुछ नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं. आज हम देख लें तो हम तो बात ये करते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम बलोची हैं, हम पठान हैं. ठीक है, हमें अपने जो नेशनलिज्म है उसको रखना चाहिए, बट सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं. तो हमें फोकस जो है वो पाकिस्तानी होने पर करना है. Now it is our duty to act like Pakistani. अपने आप पाकिस्तानी बनकर दिखाने. तो ये जो चीजें हैं कि अपने आप को, ये सेकेंडरी चीज है कि हम पंजाबी हैं, ये सिंधी हैं, ये बलोची या सोन जो भी हैं, पश्तून हैं, ये एक हमारी अलग से आइडेंटिटी है. लेकिन जो हमारी मेन आइडेंटिटी है, फर्स्ट वी आर मुस्लिम्स एंड सेकेंड वन वी आर पाकिस्तानी. पहले हम मुसलमान हैं एंड देन वी आर पाकिस्तानी, और उसके बाद जो है वो हम पंजाबी सिंधी या जो भी होगा वो देखा जाएगा. बेस हमारी मुस्लिम इस्लाम है, देन हम पाकिस्तानी हैं. और यही चीज अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे. आज हम जो आगे नहीं बढ़ रहे ना बच्चों, तो उसकी एक बेसिक रीजन यही है कि हम इस नेशनलिज्म के चक्कर में पड़े हैं. हम जब तक अपने आप को पाकिस्तानी से शो नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त तक जो है वो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे. तो लिहाजा हम सब ने अपने आप को पाकिस्तानी बनाना है. हमने ये मुल्क जो है वो इसलिए हासिल नहीं किया कि यहाँ फिर डिवाइड होकर रहने लग जाए, यहाँ हमने मिलकर रहना है. ठीक है, तो अब वो मिलकर हमने कैसे रहना है, वो यही है कि हम अपने आप को सिर्फ एक नेशन शो करें, दैट वी आर पाकिस्तानी, वी आर ओनली पाकिस्तानी. यही बाकायदा आजम कह रहे हैं, इट इज योर ड्यूटी टू एक्ट लाइक पाकिस्तानी. ये हमारी ड्यूटी है कि हमने हर वो काम करना है जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हमने पाकिस्तानी बन के रहना. अच्छा जी, अब कोई भी मुल्क है उसके लिए इकॉनमी उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऐसे ही है. तो अब इकॉनमी जो है उसके हवाले से कायदे आज़म क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कैसा होगा. ये पेज नंबर 15 में लास्ट पॉइंट है आपका. इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान का कैसा होगा. ऑन 1st of July 1948 वाई इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ही सेड, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तो उस वक्त कायदे आजम ने क्या कहा. और इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब हुआ है जी, 1st of July 1948 को हुआ है. कायदे आजम कहते हैं जी, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेस्ट हैज क्रिएटेड ऑलमोस्ट इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स टू ह्यूमैनिटी, इट हैज फेल्ड टू डू जस्टिस बिटवीन मैन एंड मैन. You must present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. तो कायदे आजम कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न सिस्टम है इकोनॉमिक का, तो वो कम्प्लीटली फेल्ड हो चुका है. उसने तो इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स बना दिए. इतने प्रॉब्लम्स हो गए जो सॉल्व ही नहीं हो सकते, इतने ज्यादा इश्यूज उसने क्रिएट कर दिए. तो हमने क्या करना, इट हैज फेल्ड टू डू जस्टिस, ये तो इंसाफ ही नहीं कर सक रहा इंसान के दरमियान, वो वाला सिस्टम वेस्ट का. वी मस्ट प्रेजेंट टू द वर्ल्ड एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रू इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैनहुड एंड सोशल जस्टिस. कायदे आजम कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो बेस कर रहा हो इस्लाम के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर में, और सोशल जस्टिस की बात कर रहा हो, जो जस्टिस पे बेस कर रहा हो, जो इक्वालिटी पे बेस कर रहा हो. बट अनफॉर्चुनेटली हम आज भी जो है वो वेस्टर्न सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को पाकिस्तान में फोकस हम फॉलो कर रहे हैं. तो हमारे लीडर्स कैसा जो है वो एक मुल्क चाह रहे थे और कैसा सिस्टम चाह रहे थे, और हम उसके बिल्कुल टोटल अगेंस्ट जा रहे हैं. तो फिर हम कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे. तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे,
बेस हमारी कुछ और है और हम उस बेस को छोड़ के हम उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों जाएंगे तो फिर हमारा यही हाल होगा कि हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हर एतबार से हमें अपने रिलीजन को फॉलो करना है, अपने नेशनलिज्म हमने ये शो करना है कि वी आर पाकिस्तानी, अपनी आइडियोलॉजी को नहीं भूलना। इस पूरे मैसेज लेसन का जो आप मैसेज कह लें या इसको समराइज कर लेंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज दैट टू नेशन थ्योरी, दैट देर आर टू मेजर नेशंस हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट दे आर लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट। इसी बेस पे हमने जो है वो पाकिस्तान हासिल किया है और यही बेस है कि हम दो नेशंस हैं। हम दो नेशंस कभी एक नहीं हो सकती क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी ट्रेडिशंस, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि हम हर तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हम कभी एक हो ही नहीं सकते। वो कुछ भी हो हम अलग ही रहेंगे। तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हमने हिंदूज के साथ जो है वो एक गैप के साथ मामलात करने हैं, वो जो हमें इस्लाम ने गाइड किए हैं, और हम एक सेपरेट स्टेट जो हासिल कर ली है इसकी हिफाजत करनी है, और इसके लिए जो अच्छा हो सके हम सब इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग 6 ऑनवर्ड वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सेंड कर दूंगा, वो भी आप कॉपीज में लिख लेंगे, और इस तरह फिर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे जो है वो मजीद आगे चलेंगे।